लोगों को, डीएम को, एसपी को, सीनियर एसपी को, सबको क्या कहा हमने? हमने कहा इन लोगों से हमेशा संपर्क में रहिए, अगर किसी तरह की कोई कठिनाई उत्पन्न करे तो उसको छोड़िएगा मत, पूरे तौर पर सजग रहिएगा, उसको जान लीजिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करिए। ये सारे डीएम और एसपी मौजूद हैं यहाँ पर, और कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, तुरंत उसका गिरफ्तारी होगा, पकड़ेगा, ये सब चिंता मत करिएगा आप लोग। ये हम लोग आपको किसी तरह की आपको कठिनाई नहीं होने देंगे। में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, गांव में भी चले जाइए, शहर में भी आ जाइए कि लोग कितना तरह का आप काम कर रहे हैं, तो सब जगह तो काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसी तरह से अगर आप लोग उद्योग का काम पढ़े तो इसके लिए तो हम लोग चाह ही रहे हैं, पूरी कोशिश है, और अब आप लोगों ने शुरू किया है और खास करके अनेक चीजों में, तो वो भी अभी जा करके मौका मिला है, पीछे बैठे हुए हैं या गए, अभी हम लोग गए हुए थे अभी कुछ ही दिन पहले, तो वहां जा करके जो देखा और कितना बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग, और हम लोगों ने पूछ लिया है, और जहां कहीं भी एथेनॉल का भी लोग काम कर रहे हैं, जहां पर हो रहा है एक ही लोगों का, आप लोग सब मौजूद ही, आप ही लोगों में से जिनको दो जगह था, सब जगह गए और एक एक चीज को हम लोगों ने देखा, ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, और कहा जो शुरू किया उसको देखने गए हम लोग, एक एक काम को किए, हर तरह का हर क्षेत्र में बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम वहां तो पूछते भी थे कि कोई समस्या है तो बताइए, और याद करिए जब वहां पर थे हम लोग, तो वहां पर तो सब लोगों को, डीएम को, एसपी को, सीनियर एसपी को, सबको क्या कहा हमने? हमने कहा इन लोगों से हमेशा संपर्क में रहिए, अगर किसी तरह की कोई कठिनाई उत्पन्न करे तो उसको छोड़िएगा मत, पूरे तौर पर सजग रहिएगा। हर जगह हम लोग कह रहे हैं, और अभी तो हमारे आप देख ही लिए, अधिकारी भी आपको कही दिए, तो हम लोगों के जो मतलब कि आपको बात कर ही रहे थे अभी सिंघल जी, तो उनको भी कह रहे थे कि हाँ बहुत बोल रहे हैं आप, तो ये भी आपको बता दिए। अब इन लोगों के साथ बराबर मीटिंग होती रहती है, और हम लोगों ने कह दिया है कि कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाए किसी तरह की दिक्कत नहीं। आजकल एक हमको पता चला कि इधर प्रचार हो रहा है कि इंडस्ट्री करने वालों को तरह तरह का दिक्कत, आज ही हमने बात किया है अपने ऑफिस में, तो इन लोगों ने बताया, हमने कहा तुरंत जरा पता करवाइए तो कहां पर कौन दिक्कत कर रहा है, और तुरंत डीएम और एसपी को, अब सारे लोग जो मौजूद हैं उन लोगों को भी हम सबको कहेंगे कि जहां कहीं भी एक एक जगह जाकर के देख लीजिए, अगर कोई आदमी किसी इंडस्ट्री वाले को कुछ उसको तंग करने की कोशिश कर रहा है स्थानीय स्तर पर, उसको जान लीजिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करिए। ये सारे डीएम और एसपी मौजूद हैं यहां पर, आज ही हमने कहा कि अगर कहीं आज बात हो रही है, कुछ लोगों ने कहा ऐसी बात है, तो हमने तुरंत कहा कि भाई सारे लोगों को कहे हुए हैं, अगर जहां कहीं भी होगा सख्त कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए, प्रचार प्रसार तब छोड़ न दीजिए, भाई हमारे मुख्यमंत्री बता दिए हैं, ऐसे ही आजकल चलते रहता है, कोई बात नहीं, अब प्रचार प्रसार होता है तो हमारे सब मित्र हैं, सब हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्या करेगा बेचारा, ऊपर से सब कुछ को कब्जा कर लिया है हाथ में, अब बिना मतलब का बात चलते रहे तो उसके लिए छोड़ दीजिए, वो सब तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, बिना काम के लोगों का प्रचार होता रहता है। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग आपको किसी तरह की आपको कठिनाई नहीं होने देंगे, और आपके लोगों के लिए सारा पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी तरह का कोई इधर से उधर गड़बड़ी नहीं करे, तंग नहीं करे, आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और आप जानते हैं हम लोगों ने तो पुलिस बल भी बनाया है अभी, और सारे जो इंडस्ट्री में लोग रहेंगे आपके बारे में उन्होंने जानकारी दे दी है, अब उसका भी हो रहा है, और हर जगह हम लोग उनको लगा देंगे, वो रहेंगे, आप जहां चाहिएगा वहां आपको उपलब्ध होंगे, जो भी चाहिएगा, और बाकी स्थानीय स्तर पर भी जहां कहीं भी है, तो जो भी हमारे जिले के अंतर्गत कोई भी हो, उस सब के सब लोग इसको देखेंगे, आप लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, और कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, तुरंत उसका गिरफ्तारी होगा, पकड़ेगा, ये सब चिंता मत करिएगा आप लोग। ये सब हम लोगों ने पूरे तौर पर किया, और बड़ी खुशी की बात है, वो आना शुरू हुए आप लोग और यहाँ पर काम करने लगे, और देख रहे हैं कि कितना लोग, और अभी आपको बता दिया गया जीविका की लोग कितना अच्छा
सब लोग अपना अपना बात बताएं, हम उसको क्या रिपीट करें। तो हर तरह से सारे लोग काम कर रहे हैं, और आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह का आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, इतना हम आपको कह देना चाहते हैं। और जो कुछ भी होगा बिहार के उत्पादन जो करेंगे, जो भी इकाई बिहार का उत्पादन करेगी, उन्हें सरकारी खरीद में प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग एक कानून बना रहे हैं।